उसका आर्टिकल वन डिस्क्राइब करता है इंडिया को, दैट इज भारत, इंडिया को भारत बोलते हैं हिंदी में, और उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, क्या डिस्क्राइब करते हैं हम लोग पहले पढ़ेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है, जो इसमें पहला पॉइंट है आपको कि आर्टिकल वन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स इंडिया, इंडिया लिख करके कॉमा देकर बोलता है दैट इज भारत ऑल्सो. ठीक है, दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो दिक्कत इस लाइन को समझने में आप लोगों को, ओके. तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. ठीक है, जैसे टू टू हियर, जैसे टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, एंड तीसरा वो हो गया द टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. ठीक है, और जो द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशनड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज, नाइन या एट, कंफर्म करिए, नाइन या एट, कौन कौन से है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फर्स्ट, चंडीगढ़ दो, तीसरा दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, क्या रह गया, पुडुचेरी, कितने हो गए, आठवें, नौ, नौवें, आठवें ना भाई, मैंने लिस्ट भी बोल दिया फिर भी नौ कर रहे हैं आप लोग. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखो लिख लो, यूनियन टेरिटरी उसके कैपिटल भी लिख लो, यूनियन टेरिटरी एंड कैपिटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, सर कैपिटल क्या है भैया, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है. ठीक है, नो डाउट, एंड दादरा एंड नगर हवेली, नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. ठीक है, तो इसका कैपिटल क्या है भाई, दमन. नेक्स्ट हमारा दिल्ली है, और दिल्ली का कैपिटल क्या है भाई, न्यू दिल्ली. फिर उसके बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर में जो कैपिटल्स है, श्रीनगर बेसिकली कैपिटल है. ठीक है, लेकिन अगर इसको एस एच नहीं है, एस एच नहीं है, एस आर आई. ठीक है, एस आर आई. तो ये श्रीनगर जो है ना, ये विंटर, सॉरी समर कैपिटल है. ठीक है, एंड ये जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का. देन आफ्टर वी गो टू लद्दाख, लद्दाख का भी यही वैसे ही है, लेह जो है वो समर कैपिटल है, एंड कारगिल जो है वो विंटर कैपिटल है. ठीक है, इसके बाद लक्षद्वीप हमारा है, लक्षद्वीप जो है वो उसका कैपिटल क्या है, कवरत्ती. ठीक है,
देन हमारा पुडुचेरी, इसका पुराना नाम पौंडीचेरी था, ठीक है, पुडुचेरी, कैपिटल पुडुचेरी ही। तो भैया कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, नौ दिख रहे हैं आप लोग को अभी भी। सो बेसिकली इंडिया करंटली हैज 8 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड दीव, मर्ज कर दिया गया था इनको, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, ठीक है, ठीक है। अब यहीं पे अगर जब मैंने बोला कि दादरा नगर हवेली अंडमान एंड दीव जो मर्ज किया गया था इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी, तो कब किया गया था, 2020 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या क्या था, ये जो दादरा नगर हवेली है हमारा, इसको मर्ज किया गया एंड सिंगल यूनियन टेरिटरी बोला गया, तो ये 2020 में। और वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ पास जो इंडियन पार्लियामेंट में, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का जो स्टेटस था वो छीन लिया गया एंड उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है, एंड इसको अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये कब किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, ये दोनों का, 2019, याद रखिएगा, ठीक है। ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन जो बना था 2014 में, कौन था, 29th state 2014 में, तेलंगाना, ठीक है, और जिसकी कैपिटल क्या थी, हैदराबाद, ठीक है, आई मीन, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, अभी मैं बार बार टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया की जिक्र कर रहा हूँ बार बार, एक मिनट, हाँ मैं बोल रहा था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया है ना, इन इस दोनों के बीच में आप लोगों को कोई डिफरेंस लिखता है लगता है, आई मीन कोई डिफरेंस, डिफरेंस है, कोई बोलो भाई, अगर नहीं आता तो यस सुनो तो बोलिए, मोहिन अशरफ आप यस बोल रहे हैं तो बोलिए, बता दीजिए, मैं तो बता ही दूंगा यार, मतलब सही बात नहीं हुई, जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग इफ यू, इफ एनीबडी ऑफ यू लाइक नोज अबाउट दिस थिंग, तो यू मे टेल ना, सिर्फ सर आपने पूछा सो यस बोलना था, यस बट आंसर नहीं पता। तो देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ना हैज अ वाइडर कोनोटेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है एक वाइडर टर्म है यूनियन ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में, पता ही समझ, नहीं है समझ, मैंने कहा कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है कंपैरेटिवली यूनियन ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में वो वाइडर कनोटेशन है,
क्यों? क्योंकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना उसमें यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इन एडिशन टू स्टेट्स उसमें यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है सिर्फ अब तो बताओ यार, कंप्लीट तो करो मेरी बात को। यूनियन टेरिटरी सिर्फ स्टेट्स है, ठीक। तो ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, तो कभी सोचा कि ये क्यों है डिफरेंस? सोचा कि डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है क्या बेसिकली? क्या है इसका डिफरेंस बेसिकली? पता है? यस और नो बोल दो यार। नो सर। तो देखो स्टेट्स जो है ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट बोलो या यूनिट बोलो, ठीक है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, रन किया जाता है। अब वो स्टेट लेजिस्लेचर या तो यूनिकैमरल हो या तो बाइकैमरल हो, जो कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लिस्ट में बताया कि हमारे इंडियन स्टेट्स कौन कौन से बाइकैमरल है, ठीक है, बताया ना, लिस्ट में दिया था ना बाइकैमरल स्टेट्स कौन कौन से। और वैसे ही यूनियन टेरिटरी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन इसको, आई मीन इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है लेकिन इसको हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है, जो कि अब एडमिनिस्ट्रेटर को कौन, आई मीन जैसे कि हम लोग स्टेट्स में होता है तो सीएम वगैरह को हम लोग इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, तो यहाँ पे जो यूटीज होते हैं उसके प्रेसिडेंट को, उसको मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वहाँ पे, तो उनको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज में एक चीज याद रखिएगा कि दिल्ली और जो पुडुचेरी, यही दो हमारा यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है, और उनको गवर्न गवर्न कौन करता है? आप लोग जब देखेंगे ना लिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह के या फिर सीएम वगैरह के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का, तो आप दिल्ली और पुडुचेरी में देखिएगा गवर्नर मतलब जो हो गए उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहां पे, एलजी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और सीएम भी होते हैं वहां पे, एंड फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पास क्या है, लेजिस्लेचर है खुद का, बाकियों के पास नहीं है, ठीक है। यस, यूटीज पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड स्टेट लेजिस्लेचर का तो अपना है, ठीक है, स्टेट पे। और एक और चीज आप यहाँ पे लिख, आई मीन नोट कर सकते हैं, जैसे जो स्टेट्स है और मान लो ये यूटीज है, तो इसका जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ना स्टेट्स का, वो गवर्नर जो बोलते हैं नॉमिनल हेड, ठीक है, और इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ये मेन बेसिक बेसिक डिफरेंस है। आर्टिकल वन आ गया समझ? लिस्ट ऑफ स्टेट्स तो आपको पता ही है कौन कौन से स्टेट्स यू आर हैविंग राइट नाउ इन इंडिया, पता है ना कौन कौन से स्टेट्स हैं, एंड कैपिटल आई होप यू रिमेम्बर ऑल्सो, क्या मुझे बताने की जरूरत है? पूछूं आप लोगों से कि अभी इंडिया के कौन से स्टेट्स एंड कैपिटल्स? मिजोरम के कैपिटल क्या है भाई? जल्दी सेकंड्स में आंसर आने चाहिए मुझे। अजवल नहीं होता है, अजावल, आइजोल, मुर्तजा सही लिखा, अब्दुल रहमान आपका भी गलत, तस्लीन फातिमा आपका भी गलत, मोइन अशरफ आपका गलत, ठीक है, आइजोल भी नहीं होता, किसी का सही नहीं है। मिजोरम की कैपिटल क्या है, ठीक से याद करो। ए आई या सनी नोरिन, वेरी गुड, आइजोल, नाम भी मतलब स्पेलिंग भी सही से याद रखना ना, कुछ अजवल आपका नाम लाइक मोइन है तो मैं MOEEN कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। और अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर, ठीक है, सिक्किम की, गैंगटॉक, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेरी गुड, एंड केरला, तिरुवनंतपुरम, वेरी गुड, मोइन अशरफ फिर से गलत लिखा आपने, तिरुवनंतपुरम नहीं होता है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, सानिया नौरीन, आदित्य आपका गलत, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, एंड त्रिपुरा की,
अगरतला, ठीक है, मेघालय, शिलोंग, SHILL है, ठीक है, सिंगल एल वाले ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके बाद असम, दिसपुर, वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश, शिमला, वेरी गुड, एंड उसके बाद मध्य प्रदेश, भोपाल, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, कोहिमा, और पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, उत्तराखंड, देहरादून, एंड वेस्ट बंगाल, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तमिलनाडु, चेन्नई। बाकी लोग टाइप मत करिए, ठीक है, सोते रहिए क्लास में। मैं नाम देख रहा हूँ कौन कौन टाइप कर रहे हैं, जो टाइप नहीं कर रहे हैं मैं उनको भी नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, तो पंजाब और हरियाणा की दो कैपिटल, आई मीन सेम कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है। गुजरात, गांधीनगर, ओके, एंड गोवा, पणजी, ठीक है, और रह गया आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, या अमरावती, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। देखो स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, AMARAVATI है, W नहीं है, V है, अमरावती, ठीक है। कोई रहा भी, हाँ, कर्नाटका और झारखंड, कर्नाटका बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़, क्या बोल रहा है, कर्नाटका बेंगलोर, पहले बेंगलुरु था, और झारखंड रांची, और कोई नहीं था ना, सारे बोल दिए, आई थिंक नो। अब देखिए आर्टिकल 2 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स, ठीक है, बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, ठीक है, कि इस आर्टिकल 2 के थ्रू हमारा पार्लियामेंट जो है एक नया स्टेट बना सकता है हमारे इंडियन यूनियन में, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो वो फिट होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 2 जो है बेसिकली डील करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, जो कि पहले पार्ट नहीं है इंडिया का, ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 2 डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर एज आर्टिकल 3 जो बात करता है वो जो इंडिया का टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरी में ही रीऑर्गेनाइज करके किसी एक स्टेट को बना देना नया से, लाइक जैसे हमारा आंध्र प्रदेश बेस्ट एग्जांपल है इसका, ठीक है, सॉरी। तो आर्टिकल 2 डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक जैसे कि मान लो इधर का इलाका, साउथ का इलाका, साउथ जो हमारा श्रीलंका का इलाका, तो वैसा थोड़ा सा एक्सटेंड करके वैसे पार्ट को नया स्टेट बना दिया, इंडिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और शेप कर दिया, रिशेप कर दिया बेसिकली, तो वो आर्टिकल 2 बात करता है उसी से। लेकिन आर्टिकल 3 में ये मेंशन है कि आर्टिकल 3 डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स विद इन इट्स टेरिटरी, छत्तीसगढ़ रह गया था, बिल्कुल छत्तीसगढ़ रायपुर, या थैंक यू। और आर्टिकल 3 हमारे पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है, तू तो हमने पढ़ लिया ना, तू मेरे को दिक्कत, बेसिकली आर्टिकल 2 डील्स विद द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, ठीक है, एंड आर्टिकल 2 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स दैट आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ इंडिया, सॉरी आर्टिकल 2 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया,
whereas article 3 deals with the reorganization of states within its territory. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आर्टिकल 2 और 3 में, मेजर डिफरेंस मैंने बता दिया. तो हमने पार्ट 1 में आर्टिकल 1 2 4 सुना था, है ना, सुना था, आई मीन पढ़ा था आर्टिकल 1 2 4. तो 1 क्या है भैया, आर्टिकल 1 हमने पढ़ा कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. व्हाट आर द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड दैट थर्ड वन इज जो कि गवर्नर एक्वायर करता है एट एनी टाइम. ठीक है, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम. ठीक है, एंड द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट्स आर मेंशनड इन द फर्स्ट शेड्यूल जो हमने पढ़ा था, स्टेट एंड यूटीज का भी हमने पढ़ा था ना फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में पहले ही मेंशनड है. तो आर्टिकल 1 में कोई दिक्कत नहीं है ना. And at present there are 28 states and 8 union territories. Then after I have mentioned the difference between the territory of India and Union of India. उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है. Territory of India has a wider connotation as compared to the Union of India because the former, I mean the territory of India, it includes the union territories in addition to states. States included into letter. I mean जो states है उसके बाद में जो भी territory of India में union territories and states दोनों का included है और union of India में only हमारा states का जिक्र है. Then after article 2 it empowers the parliament to admit new states into the Indian Union on such terms and conditions as it thinks fit. And then article 2 deals with the establishment of states that are the part of India. That are not part of India, whereas Article 3 deals with the reorganization of states within its territory. ठीक है, and Article 3 जो है वो authorize करता है Parliament को कुछ चीजें authorize करता है, जैसे कि आपको पहला मैं mention यहाँ करता हूँ. It can form a new state by separation of territory. From any state or by uniting two or more states or part of states or by uniting any territory to a part of any state. ठीक है, तो आर्टिकल 3 हमारे पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है, ये हक देता है, ये कहता है उनको कि आप जो है एक नया स्टेट बना सकते हैं किसी भी टेरिटरी को सेपरेट करके. ठीक है, और या फिर किसी भी स्टेट को यूनाइट करके या फिर किसी भी स्टेट्स को और टेरिटरी को जोड़ करके कोई भी एक नया स्टेट आप फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें भाई? ऑफ कोर्स नाम चेंज कर सकता है, अगर नया स्टेट बनाएगा तो बिना नाम का रहेगा ना, सिर्फ बिना बादशाह थोड़ी रहेगा. क्या कह रहा था? कि नाम भी करा सकता है ये. और बी पॉइंट जो है ऑथराइज करता है कि आपके स्टेट का एरिया या इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. और सी में आपके स्टेट के बाउंड्री को अल्टर भी कर सकते हैं, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट. एंड जो नासिर भाई हमारे कह रहे हैं, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, जो यूपी वाले अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, अल्टर मीन्स चेंज कर देना. ठीक है सर, तो हमने आर्टिकल 1 पढ़ लिया, आर्टिकल 2 पढ़ लिया और आर्टिकल 3 भी पढ़ लिया. आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 प्रोवाइड्स यू अ बिल. ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी स्टेट्स बनते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, देन आफ्टर आपको समझ भी आएगा आर्टिकल 4. हमारे पास अभी कितना टाइम है? 5 मिनट है, कोई बात नहीं. और बाकी क्लासेस कैसी चल रही है आप लोगों की? मजा आ रहा है सर में? अल्लाह सर बहुत ही सही, सबसे ज्यादा मजा किस में आता है इस सब्जेक्ट में?
लो सब कोई मुझे अब यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सोल साइंस एंड ज्योग्राफी में मुझे घी नहीं लगाना है, जो रियलिटी वो बताइए। सब तो सारे ही सही है, सब्जेक्ट तो सारे ही सही है, यही रियलिटी। ज्योग्राफी में मज़ा आता है, और किसे मज़ा आता है? पॉलिटी में, अच्छा मैथमेटिक्स मज़ा नहीं आता है, हिस्ट्री ऑल्सो सारे में मज़ा आता है ना। मेरी उम्मीद तो यही है कि आप लोग सारे ही बोलेंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होता है। ठीक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल है ना, ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, आई मीन दो हाउस है ना, तो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। आई मीन अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले आप परमिशन लेंगे तभी इंट्रोड्यूस करेंगे। परमिशन किससे लेंगे? प्रेसिडेंट से। एंड देन प्रेसिडेंट मस्ट रेफर दिस बिल टू द स्टेट कंसर्न, जो भी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन बिल है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर का ही है या किसी का भी हो, बिहार का ही मान लो। ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, तो जैसे आपने इंट्रोड्यूस करने से पहले, कोई भी हाउस अगर इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो वो पहले प्रेसिडेंट को वो पहले इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, देन प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको जरूरी है, मतलब उनको मस्ट रेफर दिस बिल टू द स्टेट कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, जो भी स्टेट है उसके उससे उससे बात की जाएगी, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो बात करते हैं उसका, आई मीन जो प्रेसिडेंट है बेसिकली उनका व्यू लेते हैं, क्या है उनका इस बिल के रिगार्डिंग, क्या व्यूज है उनके। देन द पार्लियामेंट बेसिकली, ऐसा नहीं है कि देखो पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि उस स्टेट का कंसेंट जरूरी है। आई मीन द पार्लियामेंट हाउएवर इज नॉट बाउंड टू एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है किसी भी स्टेट का, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट उसके ऊपर बाउंड है कि वो अगर अलो करेंगे तभी हम करेंगे, लेकिन इनका ये बनता है कि उनसे व्यूज लेना जरूरी है। ठीक है, क्या उनके व्यूज हैं इनसे रिलेटेड। एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल कैन बी पास इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी बताया ना, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, लास्ट टाइम बताया था एग्जाम्पल, मैन एग्जाम्पल ऑफ दिस अमेंडमेंट इज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल समझ आया? ठीक है, तो ये जो बिल है ना, हमारा आर्टिकल 4 ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 4 प्रोवाइड्स दैट बिल अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। लाइक किसी भी स्टेट का हम अगर उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, आई मीन नाम या फिर उसका बाउंड्री या फिर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर किसी स्टेट को खत्म ही कर देते हैं, जैसे बिहार झारखंड से बदल गया था, आई मीन बिहार से सेपरेट कर दिया गया, झारखंड को अलग हो गया बिहार, तो ऐसा ये सारी चीज़ें जो होती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है। तो उस चीज़ का प्रूफ यही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल है। ठीक है, कि हमने आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये नया एडमिशन ऑफ स्टेट करके या फिर किसी स्टेट को खत्म कर गया, उसके बाउंड्री को चेंज करके, नाम चेंज करके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है ये। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको ऑथराइज करता है ये बिल देकर आर्टिकल 4 में, जो भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी स्टेट्स में चेंजेस आते हैं, स्टेट्स और या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट्स में। ठीक है, तो वो इसी बिल के थ्रू आते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के थ्रू। आर्टिकल 4 आया समझ? आया जी, बताइए आज की क्लास में मज़ा आया? कुछ डाउट्स हैं, कुछ परेशानी है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही आर्टिकल 4 से आगे ही बढ़ेंगे, आई मीन नॉट ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 4, बट हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, कैसे हमारे स्टेट्स बने। ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज बनी। ठीक है, देन उसके बाद हम सिटीजनशिप पे जाएंगे, जो कि आर्टिकल कौन सा है भाई, सिटीजनशिप पार्ट 2, आर्टिकल 5 टू 12 या 11। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर दीजिए क्या? क्या रिपीट करते हैं? आज की क्लास में हमने शेड्यूल्स पढ़ा पहले, देन आपने पार्ट्स ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, देन उसके बाद हम पार्ट 1 लिए, पार्ट 1 में हमारा यूनियन एंड टेरिटरी है, यूनियन एंड टेरिटरी में हमने आर्टिकल 1 को अच्छे से पढ़ा, देन आफ्टर आर्टिकल 2 को पढ़ा, देन आफ्टर हमने आर्टिकल 3 को पढ़ा, आर्टिकल 3 पढ़ने के बाद हमने आर्टिकल 4 को पढ़ा, जिसको अभी हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल की बात की उसमें हमने, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो हमारा आर्टिकल 4 प्रोवाइड कराता है, ये कहता है कि जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत होता है हमारे स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट के बाउंड्रीज में या फिर उस एरिया में या फिर उसके नाम में, ठीक है, वैसा कोई भी चेंजेस आता है, तो उस चेंजेस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं कहते हैं, वो हमारा आर्टिकल 4 ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रोवाइड कराता है, उसके अंतर्गत ही होता है, तो वो सीएबी नहीं है। ठीक है, वो एसआरबी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं लाया. तो बेसिकली हमने आज की क्लास में इन शॉर्ट ये सारी चीजें हमने पढ़ी. ओके, 12 शेड्यूल, 25 पार्ट, आर्टिकल 1-4. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट बाय होम? सफिया को सर, चाहिए बोलिए. लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं तो क्यों कहते हैं? नहीं पता, हम ही लोग कहते हैं तो क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन बी अमेंडेड और चेंज. नहीं, चेंज नहीं कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देंगे, फिर क्या क्या फायदा था कॉन्स्टिट्यूशन का? अमेंडमेंट की बात करते हैं, अमेंडमेंट, लेकिन वैसे अमेंडमेंट की बात करते हैं जो इसका बेस